अल्लाहम कैसे हैं सब लोग पिशा और मुल्तान का आपने ने मैच देखा होगा क्या जबरदस्त मैच हुआ है नेक टू नेक मैच चलता रहा वही हाई स्कोरिंग मैच हुआ टू फोर्टी फाइव समथिंग बनाने थे मुल्तान को और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला बात कर लेते थे पहले पिशावर की बैटिंग पे बाबर आजम और साइम मयूब ने अगेन फैंटास्टिक स्टार्ट दिया अच्छा पहले हम बात करें जरा बाबर आजम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है सेंचुरी पे स्लो के लिए भाई तुम बना लो यार आगे तुम्हें इतना अगर मौत पड़ी ना शेब साहब तो तुम आगे बना लिया करो ये रन पंद्रह बॉलों पर यह हो गया वो हो गया उसका स्ट्राइक रेट वन था जब उसने इनिंग्स फिनिश किया बीच में आठ बॉलें यूज़ हो गई दस बॉलें यूज़ हो गई फलाना यूज़ हो गया ये ड्रामेबाजी बंद करें यार सब लोग बाबर को इतना गिराने की कोशिश की जाती है इस मुल्क में मतलब ये स्टार ना हम लोग ख़ुद नहीं बनाना चाहते शायद बाबर आजम एक ही प्लेयर है आपके पास जो लेजेंड एक बन सकता है बाद में ऑलरेडी बल्कि एक लेजेंड है तो आप उसको गिराने में लगे हो गिर जाओगे भाई आप लोग खुद बाबर को नहीं गिरा पाओगे इतना जबरदस्त प्लेयर है आपका विराट कोहली अगर यहाँ होता ना उसकी ये फॉर्म लगी होती है तीन साल सेंचुरी नहीं होती ये शो जट साहब तो आप यकीन जाने दूसरे साल में बोल देते विराट कोहली बेकार प्लेयर है बेकार प्लेयर है इसको निकालो टीम से टीम पर बोझ है ये है वो है हर वक्त बाबर के पीछे पड़े ना ना कैप्टेंसी नहीं हो रही बैटिंग नहीं हो रही स्ट्राइक रेड मसला ये मसला वो मसला भाई जिंदा छोड़ दो उसको बेचारे को खेलने दो अच्छा खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है उसको खेलने दो कैप्टेंसी का क्या इशू है यार दूसरा कैप्टन चेंज किया था ना कैडमोर बनाया था अभी दूसरे मैच में उसमें भी हा वो भी मैच हार गए अभी आप मुल्तान से तो कैप्टनसी से ज़्यादा ये देखो कि परफॉर्मेंस कैसी हो रही है पिशावर की बॉलिंग कैसी है जब बॉलिंग ही नहीं होगी तो बाबर क्या कर लेगा वापस आते हैं बाबर और सयम ऐब सयम ऐब तो आपको मैंने पहले ही बताया था एक क्या ज़बरदस्त सुपरस्टार एक बनने वाला है और उसके जो नो लुक शॉट्स हैं या जो इसकी टाइमिंग्स हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है सईद अनवर की बिल्कुल याद दिलाते हैं करते करते बहरहल इन्होंने अच्छा खेला टू फोर्टी तक अपना टारगेट लेके गए मुल्तान की बात तारीफ करनी पड़ेगी उस लड़के की अब्बास आफरीदी की जिसने चार विकटें ना सिर्फ निकाली और डेथ पे और क्या बॉलिंग करी बारह ओवर के बाद वो शायद पहला ओवर करने आया था उमर गुल की उसने याद दिलाई कि जिस तरीके से ज़बरदस्त बॉलिंग की स्लो बॉल्स की बाउंसर किए और अपनी टीम को रोका कि भाई वो ज़्यादा स्कोर ना कर पाए पिछाओवर को टू फोर्टी तक रोका फिर आ जाते मुल्तान की बैटिंग पे तो जैसे जैसन रॉय खड़ा हो गया था कोयटा के लिए यहाँ मुल्तान में मुझे यही लग रहा था कि भाई शान और रिजवान अगर लंबा खेले तो मुल्तान हार जाएगी बट उनके एक होता है ना ब्लैसिंग एंड डिस्गाइज हो गई कि दोनों जल्दी आउट हो गए तो रोसो साहब को टाइम मिल गया और पोलाड को टाइम मिल गया दोनों आगे ने आगे धूम मचा दी पोलाड ने भी बहुत ही कोई तबाही छक्के मारे और रोसो ने तो बिल्कुल ही मैच फिनिश कर दिया जैसे जैसन रॉय ने कर दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन लोगों से वैसे सीखना चाहिए कि कैसे एक अकेला अगर खड़ा हो जाए तो वो मैच को फिनिश करके ही आता है खुश दर शाह से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं बट वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा अब उसको कितना कंटिन्यू कर सकते हैं मुल्तान वाले ये उन पर डिपेंड करता है डेविड मिलर जा चुका है वापस साउथ अफ्रीका तो खुशदिल को खिलाना पड़ेगा इनकी मजबूरी है ओवरऑल देखें तो मुल्तान की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मुल्तान फाइनल फोर के लिए क्वालिफाई कर गया चौथी टीम के लिए अभी भी वो जारी है हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे कोयटा जाएगा पिशावर जाएगा या मुल्तान जाएगा उसमें से तो मुल्तान तो भाई टॉप थ्री में जा चुका है अब बात आ गई चौथी की कि पिशावर है या कोटा तो मैं तो भाई पहले दिन से कोयटा के साथ हूँ तो लेट्स सी क्या हो सकता है बाकी पिशावर अगर आउट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं उसके आठ पॉइंट्स हैं और अच्छा खेल के हारेंगे अगर हारेंगे छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं कराची किंग्स आप देख लो पहले ही आउट हो चुकी है एक डेड रबर मैच होगा कल कराची और लाहौर का कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इस तरह के मैचेस हाई जो इंटेंसिटी वाले मैचेस हैं इनको पहले रखें चले मैनेजमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में दूसरा ये कि मुल्तान अगर अपना मैच आज हार जाए कोयटा से और पिशावर अगर कल का मैच हार जाए तो कोयटा का बारीकी से ही थोड़ा चांस बन जाता है फाइनल फोर में आने का रन रेट पे बात आ जाएगी असल में तो ये कोयटा को ये भी इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आज उसको मैच जीतना है ना सिर्फ मैच जीतना है उसको अपना रन रेट भी बहुत इम्प्रूव करना है देखते हैं क्या होता है पी देखते रहें अपना ख्याल रखें हाफिज़